फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और प्रीति तिवारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, वेडिंग सीजन चल रही है, तो हम लोग पार्टी के लिए, नॉर्मली एंगेजमेंट के लिए इस टाइप की हेयर स्टाइल ढूंढते हैं जो कि बहुत ही ईजिली हम बना सकें। तो इस टाइप का हेयर स्टाइल मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। दो क्यूट एंड ईजी हेयर स्टाइल है जो कि आप पार्टी में, वेडिंग में बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और काफ़ी दिनों के बाद मैं खुद की आवाज़ में अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बमेंट चल रहा था, तो मैं साउंड म्यूजिक डाल के वीडियो अपलोड कर रही थी। तो आज मैंने सोचा फाइनली आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की जाएँ। और कुछ मैंने एक चीज़ मंगवाई है, मीशो से मंगवाई है, जो बुलेट लिपस्टिक होती है वो मंगवाई। काफ़ी अच्छी है ये, इसमें इतनी सारी शेड्स दी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, काफ़ी अच्छी है। और ये सच में अच्छी है, इसको अप्लाई करना भी बहुत ईजी है, बिल्कुल मॉइस्चराइजर अपने आपके लिप्स को पूरा मॉइस्चराइज रखते हैं। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे शेड्स हैं, आप अपना शेड देख के चूज़ कर सकते हो। ज़्यादा प्राइस का भी नहीं है, ओनली 120 समथिंग का था और मुझे प्राइस याद नहीं है गाइस। तो आप चाहो तो ये ले सकते हो, अच्छा है। कोई भी डाउट हो कि मतलब पता नहीं कैसा निकलेगा, तो ये अच्छा है, आप डेली वे में भी यूज कर सकते हो। अगर मैंने ये डेली में यूज़ करने के लिए लाइट शेड लिए हैं, आप चाहो तो डार्क शेड भी ले सकते हो, इसमें मिलते हैं। तो मैंने ये लिया था मीशो से, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। और भी एक दो चीज़ें ली थी, वो अभी दिख नहीं रही है। हाँ, हेयर स्टाइल टूल्स मंगाए थे जिससे कि मैं आपको डिफरेंट टाइप्स की हेयर स्टाइल करके दिखाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा, अगर आप गर्ल्स हैं तो सिंपली अपने बालों को इस तरीके से, अगर आप मतलब ओपन रखना चाहते हो, तब की बात कर रही हूँ। अगर अभी मैं एक हेयर स्टाइल ओपन बताऊँगी और एक बन के साथ बताऊँगी। अभी जो बहुत ऊंचा वाला पफ होता था वो वाला नहीं चल रहा है, तो आप इस तरीके से हल्का सा हेयर लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के मेरे बालों में वॉल्यूम जैसे ऐसे अपने आप ही आ जाता है, तो मुझे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आपके बहुत ज़्यादा फ्लैट हेयर हैं, आपको पफ बनाने में बहुत दिक्कत आती है, तो मैंने इसके लिए भी बहुत सारी वीडियोज अपलोड की हुई हैं जिससे कि आपको पफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके कैसे भी हेयर हो, आप इजीली पफ बना लोगे, तो जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। मैं इस टाइप के क्लिप से इसको सेट कर ले रही हूँ। ज़्यादा ऊँचा पफ नहीं बनाना है, हल्का सा लाइट सा वॉल्यूम बस बालों में आ जाए, और फ्लैट नहीं करना है, एकदम मैसी सा लुक रखना है। मैसी का ट्रेंड चल रहा है जिससे आपका लुक काफ़ी अच्छा दिखता है, आपके बाल, आपका फेस को काफ़ी अच्छी फ्रेमिंग सी मिलती है। बिल्कुल फ्लैट नहीं रखना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्लिप्स लगा दिए हैं, थोड़ा थोड़ा हेयर को खींचना चाहो तो खींच सकते हो जिससे कि हल्का सा पफ का लुक आ जाए। बाकी इस साइड के जो हेयर बचे हैं फ्रंट से मैं ऐसे ही रखूँगी, ये निकाल के ऐसे, और इस साइड के जो हेयर हैं इनको इस तरीके से कॉम करते हुए लेके जाऊंगी बैक साइड में। बिल्कुल फ्लैट है, जिनको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता वो भी बहुत इजीली बना लेंगे। और जो हमने यहाँ पे क्लिप, जो पहले से क्लिप लगाए हुए थे, सॉरी मेरे मैसेजेस आ रहे हैं जिसका साउंड आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होगा, जो हमने पहले क्लिप्स लगाए थे जस्ट उसके ऊपर लेके जाना है और इसको यहीं पे सेट कर देना है। दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरीके से करना है। मुझे मेरे फेस पे लेयर्स अच्छे लगते हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। आपका फेस बहुत छोटा है, आपका फोरहेड बहुत छोटा है, तो आप मत निकालिएगा। मैं ये लेयर्स निकालने से मेरे फेस को थोड़ी सी फ्रेमिंग मिल जाती है, जिससे मेरा मुझे अपना लुक अच्छा लगता है, मुझे खुद को अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। इसको भी इस क्लिप पे ले जाके ऐसे सेट कर देना है। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही क्यूट है एंड इजीली कोई भी बना लेगा इसको। मेरे फेस पे थोड़ा सा पफ का लुक अच्छा दिखता है, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। शादी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी ईयर रिंग्स झुमके आप डाल लो इस हेयर स्टाइल के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा और फ्रंट से तो ऐसा लुक आएगा। एंड बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा।
तो कैसा लगा आप लोग को फर्स्ट हेयर स्टाइल? तो सेकंड हेयर स्टाइल आपको इसी में थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव कर देते हैं हम लोग। ये फ्रंट का लुक ऐसे ही छोड़ेंगे। हाँ, बीच मांग के साथ भी दो क्यूट हेयर स्टाइल आपको मिल जाएंगे इसमें। जो शादीशुदा होते हैं वो भी बना सकते हैं, उनके बाल काफ़ी अच्छे हैं, हैवी हैं, तो इस तरीके से ओपन रख सकते हैं। साड़ी पे हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे लगेंगे। एंड अगर थोड़े से शॉर्ट हेयर हैं मेरी तरह, तो आप इस तरीके से बन बना लीजिएगा, वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। और इससे पहले भी मैंने पल्लू के साथ दो हेयर स्टाइल, हाई बन हेयर स्टाइल शेयर किए थे आपको इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में, है तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया है पोनी। अगर आपको ओपन हेयर पसंद नहीं है, आप पोनी बनाना चाहते हो, तो भी इस तरीके से पोनी बना सकते हो। एंड इसको सिंपली इस तरीके से कर सकते हो और यहाँ पे पिनअप कर दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर बाल अच्छे हैं तो, मेरे तो नीचे से काफ़ी डल दिख रहे हैं। तो अब इसके बाद से आपको हेयर स्टाइल बनाना है। हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर ये ऐसा टूल नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इस तरीके से खींच के फिंगर इंसर्ट करके, बहुत सारी वीडियोज में मैंने बताया हुआ है, वैसे आप कर लेना। अगर टूल्स है तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। ये टूल्स भी ओनली 119 रुपये में मुझे मिली थी, 119 में। अब इसको इस तरीके से खींच लेंगे तो बहुत ईजिली मतलब हमारा ट्विस्ट बन जाता है, देखा। अब थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से खींचेंगे। तो मैं बताने वाली थी दो हेयर स्टाइल, बट बीच में मैंने एक और बता दिया आपको पोनी बनाने के लिए। अब सिंपली इसको यहाँ पे एक रबर बैंड लगा देंगे पतला वाला, थोड़ा सा हेयर छोड़ते हुए। ओके, थोड़ा सा इसको फैला लेंगे इस तरीके से, और बाकी बचे हेयर को इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। और जो हमने यहाँ पे रबड़ बैंड लगा ट्विस्टिंग की थी, जस्ट उसके पास लेके जाएंगे, रबड़ बैंड को हाइड करते हुए यू पिन से इसको सेट कर देंगे। ओके, दो तीन यू पिंस लगा लीजिएगा ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है लॉन्ग लास्टिंग रहे, जल्दी से आपका खुल ना जाए हेयर स्टाइल। ओके, तो ये हमारा लो बन हो गया, जो कि काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी सुंदर लगेगा आपको साड़ी के साथ। और ये है, ये मेरा गले का था यहाँ पे पहनने वाला, तो इससे मैं बता देती हूँ आपको, आप अपने बन को थोड़ा और भी अट्रैक्टिव एंड अच्छा सा लुक दे सकते हो। तो इसका जो हॉल है, इसके अंदर एक जुड़ा पिन इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ऊपर से ऐसे करके भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, दूसरी साइड भी कर लेंगे। एक साइड का इसका जो ये होल है वो काफ़ी पिचक चुका है, जिसकी वजह से ये जुड़ा पिन अंदर नहीं जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से करेंगे। और DIY आपको हेयर असिस्टेंट मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा हेयर लेके लगा देंगे, और इस साइड से ये जुड़ा पिन जो हमारा नहीं लग पा रहा था, सिंपली इस तरीके से लेके इसको लगा देंगे, और इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। वाओ, तो हो गया ना DIY हेयर असिस्टेंट, जो कि आप हेयर को सजाने के लिए काफ़ी महंगे महंगे फ्लावर्स वगैरह ख़रीदते हो, उससे आप सिंपली घर पे कोई ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह टूटी है तो, मैंने अपने बहुत सारी वीडियोज़ में भी दिखाए हुए हैं, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, जो कि आपके बन को काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लुक देगा। और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक है, इसके साथ भी काफ़ी बड़ी बड़ी बालियाँ, झुमके, बहुत सारे ज्वेलरी जो आपको पसंद हो आप उस तरीके का पहन सकते हो, जो कि आपके मेकअप को और हेयर स्टाइल को काफ़ी अच्छा लुक देता है। आपका फेस भी काफ़ी अच्छा दिखता है इयररिंग्स वगैरह पहनने से। मैंने अभी नहीं पहने हुए हैं, आप ज़रूर पहनिएगा अगर आप पार्टी वगैरह में ये सारे हेयर स्टाइल कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।